नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। तलवाड़ा मुकेरिया रोड पर एक ट्रक की पेड़ के साथ हुई जबरदस्त टक्कर, ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही हुई मौत। सुल्तानपुर लोधी के गांव नैनो मलिया में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। 15 से 16 तोले के गहने, नकदी और कुछ महंगी घड़ियां चोरी कर हुए फरार। जंडियाला गुरु के प्रसिद्ध समाज सेवक द्वारा किया गया एक विशेष प्रयास, चंदा इकट्ठा कर शहर में एक बड़ी गौशाला बनाने का लिया संकल्प। और अब हलचल विस्तार से। तलवाड़ा मुकेरिया रोड पर गत रात्रि करीब 2:30 बजे एक ट्रक पेड़ के साथ टकरा गया, जिस कारण ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक तलवाड़ा मुकेरिया मुख्य सड़क पर कस्बा चीर का खू के नजदीक मुकेरिया की तरफ से आ रहा एक टिप्पर बेकाबू होकर पेड़ के साथ टकरा गया। गौरतलब रहे कि ये टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं इस घटना संबंधी जानकारी देते हुए SHO हरजिंदर सिंह ने बताया कि ट्रक ड्राइवर ट्रक में बुरी तरह से फंसा हुआ था और उसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस की ओर से बनती कार्रवाई की जा रही है। ਚੀਰ ਦੀ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਟਿੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮਗਰਲੇ ਕੈਂਟਰ ਦਾ ਮਗਰਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਈਡਰਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿੱਟ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਡੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਤੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਅਖਤਰ ਸੇਮ ਲਾਲ, ਵਾਸੀ ਮਕੇਰੀਆਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੀ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। सुल्तानपुर लोधी के गांव नैनो मलिया में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल रात करीब 12 बजे चोर घर के बाहर लगी लकड़ी की ग्रिल वाली खिड़की को तोड़कर घर में दाखिल हुए और घर के अंदर से करीब 15 से 16 तोले सोना, नकदी और कुछ महंगी घड़ियां चोरी कर फरार हो गए। गौरतलब रहे कि जिस समय चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया उस समय घर के सभी सदस्य सो रहे थे। तो वही घटना की CCTV फुटेज में भी साफ दिखाई दे रहा है कि चोरों ने पहले घर के बाहर चक्कर लगाया और फिर प्लान बनाकर घर में दाखिल हुए। फिलहाल पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जाँच करने में जुट गए। तो वहीं आसपास लगे अन्य CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। वी पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही इस घटना को अंजाम देने वाले चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मेरा नाम हरदीप सिंह है जी, ते मेरे मासी जी दे बेटे है। इन्हां दे रात तकरीबन 12 तो 1 बजे दे विच बाहरली ग्रिल पट के ते बंदे अंदर आए, ये अंदर सुते पए सीगे, इन्हां नूं पता नहीं लगा। उन्होंने आउंदे इन्हां दा भी दरवाजा बंद कर दिता, सारा कुछ कर दिता। फिर उस तों बाद उन्होंने ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲਡ ਸੀਗਾ ਪਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਤੋਂ 17 ਤੋਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਗ ਸਕਾਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SHO ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਹ ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਦੀ ਟਾਕੀ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੱਟ ਲਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੰਬਾਰੀ ਸਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਅੰਦਰਲੇ 2 ਰੂਮ ਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੋਫਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੋਲਡ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੋਰਮਲੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਨਗਦੀ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ 17-18 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ 15-20 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ 12-13 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 2.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਨਗਦ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਈ ਆ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਫੜੇ ਜਾਂ ਮੁਰ ਜਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਹਰਭੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਟੀਮ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਡੋਗ ਸਕੋਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ CCTV ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡੰਪ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ FIR ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਟੇਸਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਸ ਪਾਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੀ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਔਰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਜੇ ਸਿਰਫ CCTV ਫੁਟੇਜ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨਾਲੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਉਰਫ ਕਾਕਾ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਸੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਂਗੇ ਜਿਸ ਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆਵਾਰਾ ਗਊਓਂ ਕੋ ਲਾ ਕਰ ਰੱਖਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਨਕਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਕੀ ਗੁੱਲਕ ਰਖਵਾਈ ਹੈ ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ 5 ਭਾਗੋਂ ਮੇਂ ਬਾਂਟਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰੀ 5 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਤੀ ਹੈ ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਹਰ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੀ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁੱਲਕ ਮੇਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਡਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 100, 500, 1000 ਆਦਿ ਡਾਲੇ ये दुकानदार की अपनी श्रद्धा है उन्होंने कहा कि उन्होंने दोबारा 5 दिन बाद उसके पास फिर से आना ही है वे उन्होंने कहा कि उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है कि वे ये सेवा तहे दिल से निभाएंगे जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट बहुत ही वखरा ते वधिया उपराला वा जी जे चीज दी साडे शहर दे विच बहुत वड्डी लोड़ सी ओ शायद परमात्मा दी कृपा ना इन्हां दे जरिए ना पूरी होण जा रही है जी ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੂੜੀ ਦਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ
जिस करके उत्थे गर्मी दे नाल बदो बदी गऊआं बीमार हो रही, इस करके बहुत वधिया उपराला शहर विच छां होनी कर रहे ने। अहीं इन्हां दे नाल आ जी, जिथे कहणगे सानूं अहीं उन्हां दे नाल ही आ जी, जदों कहणगे जिन्ने वजे कहणगे अहीं सदा ही इन्हां दे नाल रहांगे जी। हो सकदा गऊ माता दी सेवा साडे साडी सेवा जिहड़ी आ इन्हां दे जरिए गऊ माता नूं लग जाए। बस परमात्मा ने दिमाग च दे दिता जी, ओहदा ही सारा एक कलबूतिया बनिया जिहड़ा, असीं ते कुछ सोचण शक्ति साडी अपनी ते कोई हुंदी नहीं, ओह जो दिमाग दे विच देण दा इंसान नू दिल नू छू जाए तो वो मगर तुर पैंदा। बस साढ़े दिल नू छू गया, ओला उपराला आई तुर पाए गऊ सेवा वास्ते। चौथ दिन लगे सी जी, तो इतों जंडियाला गुरु तो इसे जगह तो जिथे आप अज गल कर रहे हैं, चौंठ दिन दे विच द्वारका भेट गुजरात दे विच 1800 किलोमीटर दी यात्रा, परमात्मा ने हिम्मत दिती, मेरे च कोई पावर नहीं, मैनू तो डर लगता सी लेकिन उन्हें मैनू डर तो दूर लै गया, हाथ फड़ के मेरा मैनू अपने चरणों लै गया। 3 महीने का मेरा टारगेट सी जी घरों तुरन का कि मैं इन्ने एक किलोमीटर औखा सौखा चरूँगा, लेकिन उन्हें मेरा 64 दिन च पूरा कर दिता। देखो उसकी कृपा, मैं नहीं जान सकता कुछ। बस दिमाग च यही आ कि परमात्मा की कृपा के नाल और शहर निवासियों के सहयोग के नाल अपने शहर में एक अच्छी साफ सुथरी खुली डुली गौशाला का निर्माण करके देना, और इन्हां दे पैसों नाल ही, मेरे को पैसा कोई नहीं, मैं सिर्फ अपनी मेहनत ला सकदा और अपनी नेक बच्चों की कमाई चो जोड़े कोई 10-20-50 रुपये रोज़ दे आ, मैं उ पा सकदा गोलक च, इस तो बाद कुछ नहीं पा सकता। और मैं दूसरों भी यही कहना कि जिन्ना तुहाडा मन चाहे उन्ना ये दान पाओ, मन दुखी करके दान देने का कोई फायदा नहीं हुंदा, वो किसी अर्थ नहीं लगता, वो उल्टा नुकसान हुंदा, इस करके तुसी उन्ना पाओ जिन्ना हर 5 दिन बाद पा सको, क्योंकि शहर सारे नूं मैं 5 दिन दे विच डिवाइड करके ते हर दुकानदार दे कोल जाण दा फैसला कीता प्रभु दी कृपा नाल, और हर एक कोल जाके हाथ जोड़ के जो उन्हां नूं कहना जी जो तुहाडे मन च इच्छा आ वह ये पाओ, जिहदे नाल के आपां जो संकल्प प्रभु ने दवाया वा रल मिल के पूरा कर सकीए। श्री सनातन धर्म सभा श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन में 6 जून 1971 को मंदिर के प्रधान रहे स्वर्गीय देवदत्त खुल्लर के कर कमलों से स्थापित माता वैष्णो की मूर्ति के स्थापना दिवस और 6 जून 1996 को मंदिर में स्थापित शिवाला काली माता शनिदेव और माता शीतला की मूर्ति के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6 जून को श्री सनातन धर्म सभा श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन कमेटी द्वारा जागरण का आयोजन किया जा रहा है। श्री सनातन धर्म सभा श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन में 6 जून को होने वाले जागरण की तैयारियों को लेकर मंदिर प्रबंधक कमेटी व कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक हुई, तो वहीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंदिर के अध्यक्ष विजय फुल्लर ने मंदिर में चल रहे विकास कार्यों के बारे में बताया और भविष्य में भी मंदिर के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने पंडित सोमनाथ पाठक को इस होने वाले जागरण की तैयारियों की रूपरेखा सौंपी। वे उन्होंने बताया कि इस जागरण में मुख्य अतिथि के रूप में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज शिरकत करेंगी और दीप प्रज्वलित कर जागरण का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान विजय खुल्लर, उपाध्यक्ष एमएल चोडा, संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार, डिस्पेंसरी प्रभारी अजय लाली, मोना जलोटा, सुरेंद्र खुल्लर, वीरेंद्र खुल्लर, गुलशन चौधरी, रणवीर जगोटा, रघुवीर चन्नी, राजीव दुग्गल, मनी देव मल्होत्रा, अश्विनी सहगल, इंद्रजीत बजाज, एसडी शर्मा, लखबीर सिंह, लाली घुमन, पीडी शर्मा, श्याम सुंदर, हरीश धवन, इंद्र चोपड़ा, बांकेलाल पुरी, ओपी सेठी, एडवोकेट संजीव कालिया, संजय सरीन, नरेश गुप्ता, कृष्ण चौहान, मधु शुक्ला, एसके मल्होत्रा, हरिओम भारद्वाज, दिपेश चौधरी, राजेश गुप्ता, रीता अग्रवाल, राहुल सेठ, राजीव सेठ, राहुल पराशर, नरेश गुप्ता, अशोक खुराना, जेके गुप्ता, विकास शर्मा, सुमित शर्मा, रिचि खुल्लर, विवेक शर्मा, वरेंद्र कुमार, अनीता रानी खुल्लर, मधु रानी खुल्लर, राकेश खुल्लर, सौरभ खुल्लर, प्रवीण खुल्लर, सरोज कपूर, मदन मोहन, सुरजीत चोपड़ा, विवेक नायर, सुनील सिक्का, बी आर कपूर, दिवेश चोडा, कमलेश भगत, इंदु चोपड़ा, मनीष मनचंदा, लक्ष्मी रानी, चंद्रदेव, रविकांत शर्मा, राजीव सोडी, अभी अलंग, भूषण महेंद्रू, अश्विनी कुमार कपूर, कमल शर्मा, किशोर शर्मा, श्याम चंद्र, विकी चौहान, राजेंद्र चोपड़ा, रजनी खुल्लर, नरेंद्र महाजन, विजय लक्ष्मी, करनेश संदल, प्रवीण दुग्गल, इंद्रजीत बजाज, दिनेश ज्योति,
मनोहर, शांति स्वरूप गुप्ता, राकेश अग्रवाल, जगदीश चंद्र अरोड़ा, एसके कपूर, राम प्रकाश चावला, अक्षय शर्मा, नीरज प्रवीण आहूजा, जगदीश अग्रवाल, बलराज सिंह, अजमेर सिंह, सुनील सिक्का, अंजलि सिक्का, जितेंद्र कुमार उप्पल, राजेंद्र कुंद्रा, चंद्र गुप्ता पुरी, एम के जैन, शशि बाला, सुभाष कोहली, मदन मोहन कोहली, विशाल गुप्ता, सतीश मुरगई, योगेश त्रेहन, बलदेव मनोचा, राजेश मनोचा, अश्विनी सहगल, भीसेन जगोटा, संजीव गंभीर, नरेश खुल्लर, नीलम खुल्लर, कुलदीप कुमार, वीरेंद्र अग्रवाल, देवानंद, अरुण पुरी, जवाहर सहगल, मिलाप थापर, प्रवीण दादा, अरुण शर्मा, नितिन चोडा, साहिल विशंभू, पवन अरोड़ा, जितेंद्र गांधी, सुभाष सिक्का, दुष्यंत सांबर, सरबप्रीत मंकू, अनूप मेहता, राजीव नंदा और अन्य सदस्य भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की। चतुष्पदे विश्वम पुष्टम ग्रामे अश्विन्नानातुरं महाकेतन्ते देवसौतुयज्ञं प्रागुर्बृहस्पताये ब्रह्माणे तेन यज्ञमाव तेन यज्ञपति तेन मामव मनोजोतिर्जोगता महाजिषे बृहस्पति तनु तरिष्टं यज्ञकं समिमं दधातु विश्वदेवा जी खुल्ला साहब। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ए माई मेरी सचिया जोता वाली माता जी तुहाडी सदा जयकारा। शेरा वाली माई जी का बोल साचे दरबार की जयकारा। चिंता पूरिया करने वाली माता जी का बोल साचे दरबार की जय। अज 19 तरीक ऐतवार वाले दिन गीता मंदिर प्रांगण के एग्जैक्टिव मैंबर, जनरल हाउस के मैंबर प्लस साडे डोनर ते प्रोमीनेंट जो सिटीजन इलाके के सारे इतने पहुंचे, जिद कि 6 जून का जो सालाना जागरण है उसके वास्ते सारी रूपरेखा तय की गई, जिदे कि साढ़े सोमनाथ पंडित जी हेड पुजारी है उन्होंने सारा ये बतौर इंचार्ज बनाया गया, ताकि जिन्ना भी अरेजमेंट है चाहे मंडलियाँ करनी है, लंगर की व्यवस्था करनी है, भवन सजाना सारा पंडित जी करेंगे। ये वास्ते सभा ने 1.25 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस तो बाद भी जो कोई पैसे लगने प्रोग्राम कोई कमी नहीं आनी चाहिए, पंडित जी ने बेनती की है बद पैसे लगने फिर भी मंजूरी ली जाऊगी सभा को। तो ये अच्छी तरीके जिदा अगे इन्ने साल जागरण चलता, ये 6 जून 1975 मूर्ति स्थापना हुई थी दुर्गा माँ वैष्णो देवी जी की। इस ही साढ़े 1996 मूर्तियां स्थापना कीतियां, जिहड़ी कि काली माता दी, शीतला माता दी, शिवाला एक होर बनाया सी जदों शिवरात्रि नूं रश होण करके 2 शिवाले कीते गए, ते एक शनिदेव महाराज की मूर्ति ये 6 जून 1996 दे विच रखियां गईयां, ताकि 6 जून इस करके चुनिया गया सी कि आने वाले सालों के भी ये जिहड़ा अपना प्रोग्राम है जागरण का इको ही डेट रखी जाए कि आने वाली जनरेशन नूं भुल्ले ना कि जागरण की डेट की है। इस करके 6 जून महत्ता दी गई सी, तो बेनती की कि जोड़े मुख्य मेहमान के रूप होने वो साढ़े शीतल विर जी, अपना सत्कारयोग अपना चीफ एडिटर दैनिक सवेरा टाइम्स के नाल प्रधान श्री देवी तराम मंदिर कमेटी के होने, इन्हों कर कमलों के नाल ज्योति का प्रचंड की जाएगी, तो पूरे रात जागरण होएगा। सवेरे फिर कंजका पूजन तो बाद जागरण की सारी अपना संपूर्ण उत्ती पाई जाएगी आरती के नाल। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय मैया रानी जी। लंगर सारी रात चलेगा माई का, वो खुला लंगर होगा, टूटल अपना लंगर वरत्या जाएगा। वो संगत को बेनती करते हैं कि सारे सज्जन अपने भैन भरावों जिदा अगे हर साल आते तो हम माल पहुंचे। जय माता, जय माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में माँ बंगलामुखी जी की वार्षिक जयंती धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज के नेतृत्व में मनाई गई। तो वहीं मेले का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ हुआ। वहीं नवजीत भारद्वाज ने मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ को संपन्न करवाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने परिवार सहित पूजा अर्चना की और यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक क्षेत्र विज विधायक रमन अरोड़ा, आप नेता राजकुमार मदान, आप नेता रोबिन सापला, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, भाजपा नेता अमरजीत सिंह अमरी, मनोज नन्ना सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए और मां बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर नवजीत भारद्वाज ने कहा कि 10 जून 2015 को उन्होंने मां बंगलामुखी जी की कृपा से एक छोटे से मंदिर की शुरुआत की थी। माता की असीम कृपा से ये मंदिर अब तो एक धाम के रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि ये कृपा मां बंगलामुखी जी के स्थापित स्वरूप की है। वहीं मां बंगलामुखी धाम में मां बंगलामुखी जी का 9वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
उन्होंने कहा कि माँ बंगला मुखी जी के भक्तों की अटूट आस्था ने ही इस मंदिर को एक धाम का रूप दिया है। इस अवसर पर भजन गायकों ने माँ बंगला मुखी जी के भजनों से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर श्रीकंठ जज अमरजीत सिंह, श्वेता भारद्वाज, राकेश प्रभाकर, वैशाली भट्टी, पूनम प्रभाकर, समीर कपूर, अमरिंद्र कुमार शर्मा, समीर चोपड़ा, नवदीप, उदय सूरजवाला, अजीत कुमार, निर्मल शर्मा, बाबा खन्ना, विनोद खन्ना, नवीन जोगिंदर सिंह, लवली शर्मा, मनीष शर्मा, सुखा, मनदीप, अवतार सैनी, गौरी, केतन शर्मा, अभिलक्ष्य चुग, सौरभ अरोड़ा, अजय शर्मा, सोनू छाबड़ा, सरोज बाला, सुरेंद्र सिंह बाबा, रिंकू सैनी, दीपक, प्रिंस, वरुण, लकी, रोहित, विशाल, अश्विनी शर्मा, रवि भल्ला, भोला शर्मा, जगदीश, सुनील जग्गी, दीपक, प्रिंस कुमार, बलदेव सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो वहीं महामाई का अक्षय संग्रह भी आयोजित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ करवाया गया। इस मौके पर हीरा महाजन और अंजू महाजन मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित हुए और यज्ञ वेदी में आहुतियां डाली। इस अवसर पर ब्रह्माचार्य पंडित मान सिंह मेरठ वालों ने पवित्र वेद मंत्रों का जाप कर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने अपने भजनों के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध किया। तो वहीं आर्य समाज के सचिव हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए यागिक परिवारों और श्रद्धालुओं का धन्यवाद भी किया। इस मौके पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्य मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। I'm not your prisoner.
शैली है, ज्ञान है आपको संगीत का, बहुत ही सुंदर। आज महाजन परिवार जो हमारे बीच में प्रथम बार आए हैं, मैं हीरा महाजन जी और अंजू महाजन जी का विशेष धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जो हमारे बीच में आए। और सबसे बड़ी बात, हमारे बीच में आचार्य मान जी जो कि मेरठ से हमारे बीच में विशेष आए हैं, इनका भी सारे समाज के मंच से बहुत ही स्वागत है। मैं आचार्य से प्रार्थना करूंगा कि वो 20 मिनट के लिए हम सभी को यहाँ से संबोधन करें, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यक्रम की थोड़ी सी सीमित रहता है, 8 से 10 बजे तक का कार्यक्रम है। संसार में कैसे रहना है, किन कार्यों को करना है, किन को नहीं करना है, किन पदार्थों के क्या नाम हैं और उनके क्या विभाग हैं और उनसे क्या काम लेना है, उनके क्या गुण है, इस सब बात की जानकारी परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों को देता है और 3 ऋषियों के माध्यम से देता है, 4 ऋषियों के माध्यम से देता है। उन ऋषियों के नाम है अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन 4 ऋषियों के हृदयों में परमात्मा एक एक वेद का प्रकाश करते हैं और जब इनके हृदय में वेद का प्रकाश कर देते हैं तो इन 4 ऋषियों से सबसे पहले जो व्यक्ति वेदों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं उन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी इन 4 ऋषियों से वेदों के ज्ञान को लेकर के समाज के अन्य मनुष्यों में उनका प्रचार और प्रसार करते हैं और इस प्रकार से वेदों के ज्ञान की प्रचार प्रसार की परंपरा शुरू हो जाती है, गुरु और शिष्य की परंपरा शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ लोग यहाँ आपत्ति करते हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बच्चा गिरते पड़ते आखिरकार एक दिन चलना सीख ही जाता है और जब चलना सीख जाता है तो फिर दौड़ने भी लगता है, तो जिस प्रकार से एक बच्चा विकास के मार्ग पर चल करके दौड़ने लगता है, इसी प्रकार से मनुष्य भी धीरे धीरे विकास करते करते वेद के ज्ञान को भी प्राप्त कर लेगा। उस वेद के ज्ञान को परमात्मा के द्वारा दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाला लाजपत राय जी की मदर का नाम था गुलाब देवी। हमारे मैं गुलाब देवी हॉस्पिटल का एडवोकेट भी हूँ और उनका लॉ ऑफिसर हूँ, तो उनकी वजह से उन्होंने अपनी मदर को ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो उस टाइम के बीच में लाइलाज बीमारी थी, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो उनके लिए उन्होंने फाउंडर मेंबर लाला लाजपत राय जी ने लाहौर के बीच में गुलाब देवी हॉस्पिटल की स्थापना की थी 1878 में। उसके बाद लाहौर महात्मा गांधी ने उनका इनॉग्रेशन किया था, फिर उसके बाद जलंधर के बीच में जब पंजाब बनारस इंडिया अलग हुआ लाहौर से, तो पाकिस्तान से अलग हुआ, तो साथ में इंडिया के बीच में पंजाब जलंधर में फिर से बनवारी लाल पुरोहित हमारे अनडिवाइडेड पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसकी स्थापना यहाँ पर करी और बनवारी लाल पुरोहित फाउंडर मेंबर भी थे हमारे गुलाब देवी हॉस्पिटल के, तो उनकी प्रतिमा लाला लाजपत राय जी की प्रतिमा हमने जैसी शिमला के बीच में आप सबने काफी लोगों ने देखी होगी, सेम वैसी प्रतिमा एक हमने गुलाब देवी हॉस्पिटल में लाला लाजपत राय जी की बनाई है। हमारी वो होली के कारण हमारा जो विशेष सप्ताही ध्वज का कार्यक्रम है ईश्वर की कृपा से सफल होता है, ईश्वर करता है वही करवाना है। कल भी जो हमारे मुख्य यजमान हीरा महाजन जी जो पहले भी 3 सप्ताह पहले भी इनका प्लान बना था लेकिन कारण थोड़ा चेंज हो गया, कल भी मैं विचार कर रहा था
मैं अभी चले ही एयरपोर्ट में बैठा था कल उस समय, मैंने कहा कि कल के ये जमाना अभी तक मंत्री से बात हुई थी, कहते बजेंगे भाई साहब आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, मैं कहा आप रुकिए मैं ही बताऊँगा आपको, मैं याद आ गया कि हीरा महाजन जी कल के ये जमान होंगे, मैं उनसे बात करता हूँ। जब मैंने इससे बात की तब तक उससे मैं उड़ान शुरू होने वाली थी, मैं अंदर हवाई जहाज के अंदर बैठा था, तो मैं कहा मैं बात नहीं कर पाऊँगा, अब मैं दिल्ली जाके बात करूँगा आपसे। श्री केदारनाथ लंगर कमेटी की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री केदारनाथ भंडारे के लिए राशन का ट्रक रवाना किया गया। श्री केदारनाथ लंगर कमेटी की ओर से ये छठा वार्षिक ट्रक भेजा गया, तो वहीं कमेटी की ओर से ये लंगर श्री केदारनाथ यात्रा के रास्ते सोन प्रयाग उत्तराखंड में लगाया जा रहा है। वहीं राशन सामग्री का ट्रक सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल और पूर्व CPS KD भंडारे की ओर से रवाना किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र गुप्ता, जिनेश अरोड़ा, जतिंदर अरोड़ा, जूनी वडेरा, शिवसूद, तरसेम कपूर, सुशील अग्रवाल, विकास शर्मा, विकी, लाली अलंग, यश चंद्र भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। वास्ते सेवा वास्ते ट्रक दा आज रवाना किया है, मैं सारी लंगर कमेटी को बधाई दूंगा और मारा के दास करूंगा, निर्विघन संपन्न हो गए, सारे सकुशल अपने अपने घर वापस आ गए, जिन्हें भी यात्री उत्थे जा रहे हैं उन्होंने ये बाखूबी सेवा कर सकन लंगर की, बहुत ही बड़ा उपराला मैं कह सकता, मैं साढ़े शहर वालों साड़ी पूरी जी कर रही है, साड़ी बधाई की पात्र हैगी है, साढ़े सारे साथी बहुत ही लगन और भाव के नाल हर काम के वास्ते अगह बढ़ के सेवा करते हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के मुख्य सेवादार पवन मेहता की माता निर्मला देवी का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार किशनपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। स्वर्गीय निर्मला देवी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति और विनम्र स्वभाव की महिला थी। श्री देवी तालाब मंदिर के प्रति उनकी बहुत आस्था थी। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन और दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, तरसेम कपूर, मनीष शर्मा, सौरभ शर्मा, रमन शर्मा, अरुण वर्मा, भूषण कोहली, राजकुमार चौधरी, नीरज मित्तल, अनु सचदेवा, अर्जुन मल्होत्रा, सोमनाथ कालिया, दीपक कंबोज, गौरव शर्मा, संजय कोछड़, प्रदीप पुजारी, अमित सहगल, सुभाष शर्मा, बलदेव आनंद, बी धीर, अमृत लाल अरोड़ा, शिव शर्मा, सुनील अरोड़ा, दमन मेहता, भारत भूषण बजाज, सुरेश गुप्ता, अनिल कुमार, महेंद्र प्रभाकर, टोनी, राकेश कुमार, बिल्ला, रिंकू अग्रवाल, पंडित गुलशन शर्मा, वरुण मदान, गौरव शर्मा, सुरेंद्र अग्रवाल, दिनेश सहगल सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय निर्मला देवी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। तलवाड़ा मुकेरिया रोड पर एक ट्रक की पेड़ के साथ हुई जबरदस्त टक्कर, ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही हुई मौत। सुल्तानपुर लोधी के गांव नैनो मलिया में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। 15 से 16 तोले के गहने, नकदी और कुछ महंगी घड़ियां चोरी कर हुए फरार। जंडियाला गुरु के प्रसिद्ध समाज सेवक द्वारा किया गया एक विशेष प्रयास, चंदा इकट्ठा कर शहर में एक बड़ी गौशाला बनाने का लिया संकल्प। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।